तोहर दिल हो कि चार जर कत ही लगा लेलू तोहर दिल हो कि चार जर कत ही लगा लेलू प्रणाम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब एकदम मस्त हो, एकदम चकाचक हो, एकदम बढ़िया हो, है ना। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद किसी सैड सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ। तो आज मैं जिस सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है कत ही लगा ले लो, खेसारी लाल यादव भोजपुरी सैड सॉन्ग 2021। तो एक तो सैड सॉन्ग है जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, एंड उससे भी ज़्यादा फेवरेट है खेसारी लाल यादव भाई का सॉन्ग है। तब तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सॉन्ग को लेके। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, सो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बट उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तोहर दिल हो कि चार जर कत ही लगा लेलू तोहर दिल हो कि चार जर कत ही लगा लेलू कपना मुस्कुरा लू तू छन में रूठ जालू तू दर्द जैसे दिया होके वैसे बुझ जालू तू कपना मुस्कुरा लू तू छन में रूठ जालू तू दर्द जैसे दिया होके वैसे बुझ जालू तू सूते ना देलू सपनों में जगा देलू तोहर दिल हो कि चार जर कत ही लगा लेलू तोहर दिल हो कि चार जर कत ही लगा लेलू पंकज खेसारी के हो 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 दिलिया दिमाग न बसलू अभिषेक तिवारी के तनी ना ख्याल कैलू पंकज खेसारी के पैसा पकैलू प्यार जान हमके भगा देलू तोहर दिल हो के चार जर कत ही लगा लेलू तोहर दिल हो के चार जर कत ही लगा लेलू। एक्चुअली मैं जब भी कोई सैड सॉन्ग सुनती हूँ ना या फिर देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा सैड सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट नहीं करती हूँ।
बट सिर्फ खेसारी लाल भाई का सॉन्ग है एंड कुछ फ्रेंड ने भी बोला था इस सॉन्ग के लिए, तो इसलिए मैं इस सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ। तो सॉन्ग सुन के तो आई थिंक आप लोगों को सॉन्ग का जो मीनिंग है वो तो पता चल ही गया होगा कि क्या मीनिंग है सॉन्ग का। तो स्टोरी है यही है कि प्यार में धोखा जैसे अक्सर सभी को हो, मतलब सबके साथ होते रहता है, तो मतलब उसी रिलेटेड है सॉन्ग का स्टोरी। तो यहाँ पे आई थिंक भाई को प्यार में धोखा मिला है, तो उसी फील से भाई ने ये सॉन्ग किया है। एंड जब खेसारी लाल भाई का सॉन्ग है एंड ऊपर से सैड सॉन्ग है, तब तो मतलब आंखों में आंसू आना एक कंपलसरी बात है, ठीक है। सॉन्ग के अंदर जो लाइंस है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी हार्ट टचिंग लाइंस है जो मतलब सुन के रियली मुझे मतलब रोना आ गई। पता नहीं ये सबके साथ क्यों होते रहता है, जो रियल में किसी से प्यार करता है उसे प्यार नहीं मिलता है, एंड जिसको प्यार चाहिए उसको सिर्फ लोग धोखा देते रहते हैं। मतलब पता नहीं ये क्यों सबके साथ होते रहता है, आई डोंट नो। तो ओवरऑल सॉन्ग के अंदर जो लाइन्स है, सॉन्ग के अंदर जो सॉफ्ट म्यूजिक है, टोटली मिला के मैं मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी सुन के, एंड मैं काफ़ी फील किया सॉन्ग को, ठीक है। यही सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं सॉन्ग को काफ़ी फील किया हो, इसलिए शायद रो दिया आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप लोग जो किसी के साथ टाइम पास करते हो ना, किसी के साथ फ्लर्ट करते हो ना, तो ये करना आप लोग बंद करो, ठीक है। बिकॉज आप लोगों के लिए किसी का लाइफ पूरा हेल हो जाता है। अब तो किसी के साथ टाइम पास करके, किसी के साथ फ्लर्ट करके खुश रहते हो, बट जिसके साथ आप लोग करते हो ना, उसका लाइफ पूरा हेल हो जाता है। ये बात सोच के आप लोग किसी के साथ नेक्स्ट बार से टाइम पास कीजिएगा, ठीक है। तो सॉन्ग के बारे में मैं एक्स्ट्रा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड ये सॉन्ग देख के आप लोग को कैसा लगा एंड मेरा रिएक्शन देख के आप लोग को कैसा लगा वो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना। सो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा। तोहर दिल हके चार जर कतही लगा लेलु, तोहर दिल हके चार जर कतही लगा लेलु।